देश भर में आज चुनाव प्रचार का जो है वो आखिरी दिन था और आज हम इंदरवाल के छात्रों इलाके में आए हैं जहां पर चौधरी लाल सिंह के लिए जो है वो एक जलसा था और साथ में उस जलसे में जो है उमर अब्दुल्ला भी आते थे। ये जलसा जो है वो आखिरी मोमेंट पर कैंसिल हो गया है और आज हज़ारों की तादाद में जहाँ जो लोग यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को और लाल सिंह को सुनने के लिए आए थे उनमें गम गुस्सा है। क्या ये जलसा जो है वो पॉलिटिकल साजिश का शिकार हुआ या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो रखना जो है वो अड़ाया, यही इसी तरह के र्यूमर्स जो है वो चल रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए बात करने के लिए इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है फिरदौस अहमद मिंगनू जो कांग्रेस के यहाँ पर वरिष्ठ नेता है और साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी जो है म्यूनसिपलिटी किश्तवाड़ के रह चुके हैं। फिरदौस साहब क्या बताएंगे, क्यों जलसा कैंसिल हुआ, उमर अब्दुल्ला आने थे, लाल सिंह आने थे, क्यों नहीं आए, क्या कोई साजिश है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक मशीनरी के तहत यहाँ पे काम कर रही है उनकी सोची समझी साजिश के तहत हरजाना हमें भुगतना पड़ा कि हमारा जहाज़ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती के कारण, एडमिनिस्ट्रेशन की उस मनसूबाबंदी के कारण यहाँ पर उतर नहीं पाया। आपको मालूम होगा जी, अभी तक जितनी भी हमारी कंपेन हुई है खास करके चौधरी लाल सिंह जी की, दो दिन पहले ही उनका जो शेड्यूल है वो तय होता है कहाँ पे किस जगह पे उन्होंने जाना है। आज का जहाँ तक प्रोग्राम है तो 10 बजे के करीब उन्होंने पाडर मचेल जाना था, माता रानी के दर्शन करने थे, वहाँ पूजा पाठ करने के बाद माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद डायरेक्ट उन्होंने छात्रू आना था जहाँ पे गालबन 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा लोग उनका इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहे थे। क्योंकि आज आपको मालूम होगा 4 बजे के बाद कंपेनिंग का जो पूरा प्रोसेस है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ये एक लास्ट का कहीं ना कहीं हमारा फेज था और ये एक जलसा था जहां हम सब, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे अलायंस के लोग हैं, कांग्रेस के वर्कर वो लीडर हो, सभी कहीं उत्सुक थे कि हमने छात्रों में जाना है, जलसा करना है। लेकिन जब मेरी बात हुई वहाँ पे, वो लोकेशन इनसे मांगने लगे तो उन्होंने लाइव लोकेशन इनको नहीं भेजी। मैं 10 बजे का यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आया हूँ छात्रों के इस ग्राउंड में। आपको मालूम होगा छात्रों जैसी टोपोग्राफी के इलाकों में, घने पहाड़ों और जंगलों के बीच में जब आपने जहाज़ को लैंड करना होता है, एक स्मोक का एक धुआं उड़ाना पड़ता है, लोकेशंस उनको भेजनी पड़ती है। ना ही लोकेशन इन्होंने, लाइव लोकेशन उनको भेजी, ना ही वो स्मोक का वो जो धुआं है उन्होंने यहाँ पे डाला। लगातार इजाज़त तलब करने के बावजूद भी यहाँ जहाज़ को एक तो मचेल जाने से रोका, पूजा पाठ करने से जाने से रोका, और दूसरा लोगों से, छात्रों में मिलना था, वहाँ पे भी एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने रोका। कड़े अल्फाजों में हम भारतीय ये बीजेपी और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो बीजेपी के रंग में पूरी तरह से रंग गई है, इलेक्शन में पूरी तरह ये हमारी जिला इंतजामिया उनकी मदद कर रही है, हम कड़े अल्फाज में इनकी निंदा, इनकी मजम्मत कर रहे हैं। क्या आपने इसके बारे में कहीं शिकायत की? अभी तो खैर हम यही ग्राउंड में हैं, हमारी हाई कमांड से बात हुई है, उन्होंने इस चीज़ का एक सख्त नोटिस लिया है। आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में क्या होगा उस पर हम आपसे बताना। उमर अब्दुल्ला भी आने वाले थे, वो भी नहीं आए, उसकी क्या वजह? देखिए, उमर साहब 2 दिन से लगातार इस चिनाब वैली में दौरा कर रहे हैं, उनका भी जो शेड्यूल था जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिला इकाई से बात हुई, बनी हाल से होते हुए पाडर और छात्रों से होते हुए लारनू में आज उनका जलसा था और वहाँ अनंतनाग के रास्ते से उन्होंने वापस श्रीनगर जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो पाडर में कल उन्होंने एक रैली की, एक रोड शो किया, जो जन सैलाब वहाँ उमड़ के आया, उमर साहब जो लाल सिंह जी के लिए वोट मांग रहे थे, पाडर का युवा हो, पाडर का महिला हो, पाडर का नौजवान हो, पूरी तरह से बाहर निकला और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के ऊपर अपना विश्वास और अपना समर्थन दिया। हमें मालूम था कुछ ना कुछ साजिशें पक रही है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन कब ये कदम उठाएगी। उमर साहब को यहाँ पे आना था, बताया गया सिंथन का रूट जो बंद था, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ मुकामी लोगों से जब NHIDCL के जिम्मेदारों से बात हुई, उन्होंने कहा 1.5 किलोमीटर जो बर्फ़ उसमें थी, बर्फ़ को हमने उठा लिया है। उसके बाद उमर साहब का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इकाई से हमारी बात हुई, लारनू में जलसा था, यानी छात्रों के बाद उन्हें लारनू जाना था, फिर वहाँ से होते हुए कश्मीर जाइए श्रीनगर जाना था। एक तो छात्रों का जलसा भी उनका रुक गया और लारनों का भी रुक गया। हम तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं और लोगों को कहते हैं कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसी भारतीय जनता पार्टी का आप सख्त नोटिस लें। लेकिन बावजूद इसके भी लोगों में किसी भी किस्म के जोश में कमी नहीं थी, लोगों ने
मजबूती के साथ हमें ये कहा अब हम दुगना ताकत के साथ इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और जोग दर जोग हम लाल सिंह जी के फेवर में करेंगे। किस तरह से आप जीत के आसार देखते हैं अपने कैंडिडेट के लिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो दावे कर रही है जीत के कि वो 400 पार जाएंगे, जबकि यहाँ पर DPAP भी जो है वो भी दावे कर रही है कि हम भी जाएंगे। आपके लीडर्स जो है वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी हमने देखा वहाँ पर आपके जो दो लीडर्स थे उन्होंने ज्वाइन किया, आपके जो पूर्व जो एक ACC के मेंबर थे जांजे वो भी कल स्टेज पर देखे गए, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मैं समझता हूँ हार उन्होंने तस्लीम कर ली है। अगर उनकी कंपेनिंग का मोड आप देख लीजिए, पहले उन्होंने द ग्रेट खली जो WWE के रेसलर रहे हैं वो इक्का भी उनका नहीं चला, एक एक डिस्ट्रिक्ट में उनके दो दो तीन तीन सेंटर के मिनिस्टर घूमते हैं, लेकिन जब वो लोग और आप जैसे मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं कि 10 साल में आप बताइए आपकी क्या कार्यकर्तगी रही है, अनुराग ठाकुर जी जो खेल के मंत्री है, आप हमारे पूरे खिते चिनाब में किश्तवाड़ में कोई स्पोर्ट्स का एक छोटा सा स्टेडियम, कोई इंडोर स्टेडियम, कोई आउटडोर स्टेडियम आप बताइए, वहाँ उनके पास जवाब नहीं है। 10 साल का जवाब उनके पास नहीं है उन्होंने क्या किया, लेकिन 10 साल अगले की वो गारंटी लेके आ रहे हैं कि हमारे पास मोदी की गारंटी है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आजमाया, लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो नरेंद्र मोदी की गारंटी थी उसको भी आजमाया, और आजमाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के मसले में पूरी तरह से उनका परफॉर्मेंस जीरो है, शून्य है। और ये जो हमारी जो लोकसभा है, जो कुठवा है, उधमपुर है, अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, ये तो नेचुरली एक कांग्रेस लोकसभा है, ये तो 2014 में गलती से गुलाम नबी आज़ाद को टिकट मिली वो ये सीट हार बैठा, नहीं तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, और वापस 10 साल के बाद हम कांग्रेस इसमें अपनी जीत दर्ज कर रही है। देखिए, अगर हम कैंपेनिंग की बात करेंगे, आपने स्टार कैंपेनर्स की बात की, कल अनुराग ठाकुर थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद मिनिस्टर है, अमित शाह साहब, प्रधानमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी कैंपेनिंग करते, तो आपके जो बड़े नेता है वो यहाँ क्यों नहीं आए, जैसे प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी, क्या वो अपनी साख खो बैठे हैं और लोगों में पब्लिक अपील नहीं है उनकी? देखिए, मैं समझता हूँ ठीक है लोग अपने बड़े लीडर को देखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं राहुल जी आए, हम भी चाहते हैं प्रियंका जी आए, हम भी चाहते हैं खड़गे जी आए, लेकिन हमारा स्टार कंपेनर बूथ पे हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा स्टार कंपेनर गरीब है जो 10 साल से इनकी जुल्म की चक्की में पिस चुका है, हमारा स्टार कंपेनर बेरोजगार युवा है जो लगातार 10 साल से रोजगार की मांग कर रहा था और ओवरएज हो गया है, अब उसके रोजगार के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। आज इनको क्या जरूरत पड़ रही है स्टार कंपेनर लाने की, अगर इन्होंने काम किया होता इनका काम बोलता, आज स्टार कंपेनर से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा, किसी भी किस्म का फायदा नहीं हो रहा है। अगर स्टार कंपेनर से फायदा होता तो शायद इन्होंने DPAP को आज यहां से वोट कट्टू के लिए इस्तेमाल नहीं किया होता, ये अपनी परफॉर्मेंस से चुनाव लड़ते। आज क्या कारण है कि एक यहाँ का एक पूर्व MLA जो DPAP की टिकट लेके हमारे वोट को काट रहा है, सेकुलर वोटों को काट रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बना रहा है, जबकि उसी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन उनका जम्मू से है, उनका प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुगल किशोर जी जम्मू से है, जम्मू में वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, अनंतनाग राजौरी पूंछ में वो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस के डायलॉग कर रहे हैं, लेकिन खिताब चुनाव से उन्होंने अपना लोकसभा का उम्मीदवार निकाला, उनकी कंपेन बनिहाल में, उनकी कंपेन बदरवा में, उनकी कंपेन भलेसा में, उनकी कंपेन डोडा में, उनकी कंपेन छात्रों इंदरवाल में, अरे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कुठवा भी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बन्नी है, बिलावर है, कुठवा है, हीरानगर है, उधमपुर है, चिनैनी है, वो वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इन 4-5 इलाकों में, 4-5 स्टेशनों में कंपेन कर रहे हैं और टारगेट उनका है 60-70 हजार वोट काटिए, जितेंद्र सिंह को आप अंदर ये पार्लियामेंट में भेज दिए, मैं समझता हूँ बड़े सस्ते में बिक गए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि देखिए, अब बात जो है वो चल रही है, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही है, लेकिन हमने दो दिन से देख रहे हैं कि जातियात जो है वो काफ़ी हो रहा है, एक दूसरे पर जो है वो कसे जा रहे हैं, किसका बेटा लगा, किसने मकान बनाया, किसकी पास ज़मीन है, एक दूसरे कौन क्या बेचता था, तो अब क्या देख रहे हैं इस तरह की जो जातियाती जो सियासत में जो है वो आ गई है, इसको किस तरह से? देखिए, जाति तौर हम उस सोच के लोग हैं, हम समझते हैं जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जुबान हर एक आदमी रखता है, जब आप जात की बात करोगे फिर दूसरा बंदा भी आपकी औकात आपको दिखाएगा, अगर शुरुआत सुरुड़ी साहब की तरफ से नहीं होती तो शायद बाकी लोगों की तरफ से भी शुरुआत नहीं होती, लेकिन जब आप शुरुआत करते हो
जब आप कलेजा रखते हो किसी को जलील करने का, फिर अगर आप एक उंगली उसकी तरफ उठाते हो, भाई साहब चार उंगलियां आप पे भी उठती है। आपका भी जो कैरेक्टर है वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, आपके आपके दामन पे भी बहुत सारे दाग हैं जो हम मुंह नहीं खोलना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब। अब 19 तारीख को जो है यहाँ पर वोटिंग होनी है, 102 सीटें जो है वो पहले फेज में जो है ऑल ओवर इंडिया में होंगी, 25 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में जो है वो वोटिंग होनी है 19 तारीख को। मैं इस वीडियो के जरिए लोगों से अपील करूंगा कि वो वोट डालने जो है वो जरूर आए, चाहे वो किसी को भी वोट दे, जिस कैंडिडेट को भी चाहते हैं वो वोट दे, अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे, लेकिन वोट डालने के लिए जो है वो बाहर जरूर निकले। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।